जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत थैंक यू सारी संगत को, जायश करके जो ग्रुप ओनर है उनको भी बहुत बहुत थैंक यू, उन्होंने सत्संग यहाँ पे शेयर करा। और मेरा नाम ईशिका है, दिल्ली से हूँ और गुरु जी को इससे जुड़े हुए 7 साल हो गए। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 7 नंबर ही गुरु जी का है और 7 नंबर भी आम नंबर नहीं है, 7 गुरु जी का साथ है जहाँ गुरु जी खुद हैं। इस पे भी पहले मुझे पता नहीं चलता था, पहले स्टार्टिंग से बात करते तो जुड़े हुए हैं 2016 से। 2016 में हम बड़े मंदिर गए थे सितंबर में, तो तब ऐसा बहुत कुछ हो रहा था, तब का ही एक सत्संग याद आ रहा है। गुरुजी को पता है, गुरुजी जो शेयर करवाना चाहते हैं, तो तब का सत्संग याद आ रहा है। तब से पहले मैथ्स की जो टीचर होती थी, मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं थी। और हमें बड़े मंदिर गए थे 20 सितंबर पहली बार। तो जब मैथ्स का इतना वो हो रहा था, टीचर हमारे अगेंस्ट थी एक टाइप से, तो इतना वो था, मेरे को इतना स्ट्रेस रहता था मैथ्स। एक तो पढ़ते कुछ ते आता कुछ था, बड़ी दिक्कत होती थी। और फिर हम बड़े मंदिर होके आए, अगले दिन क्या हुआ कि एक हफ्ते में ही पता नहीं चला हम कहाँ होके आए हैं। तब इतना डिवाइन जगह पर ये याद था वहाँ लंगर करा है, तो महादेव थे वहाँ तो हमारे प्रभु गुरु जी। तो वहाँ पे जो अगले दिन थी मैथ्स वाली मैम हमारे फेवर में हो गई और उन्हीं के वहाँ हमने ट्यूशन लगा ली। ये गुरुजी ने ही करा था इतने साल का, अब पता चला, उसके बहुत साल बाद पता चला था ऑफकोर्स, क्योंकि दैट द टाइम व्हेन वी मीट गुरुजी वी डोंट नो अबाउट व्हाट इज गोइंग विद आर लाइफ एंड हु वी मेट, दैट्स आर महादेव। ये भी बहुत बड़ा सत्संग है, कब जाके 7 ईयर्स के बाद जाके समझ आया कि गुरुजी महादेव है। तो हम वहीं से उधर से ट्यूशन लगा ली, उसके बाद क्या हुआ हमारा कनेक्शन बनता रहा गुरु जी से। तो इसमें भी कुछ जैसे सत्संग में जाती थी उसमें भी कई जगह आसान नहीं रहा, कई जैसे हो जाता है सत्संग में, सारे सत्संग ऐसे नहीं है। एक आंटी से गुरु जी भी इंडिकेट कब करते थे और मुझे समझ बाद में आने लगा, पहले गुरु जी दिखाते थे। मैं सत्संग में जाती थी, मेरे को थोड़ा दुख होता था जैसे वो संगत है, कई बार ऐसे हो जाती है कई सत्संगों में जहाँ हम गुरु जी से नहीं कनेक्ट हो पाते, लोगों के अंदर ज़्यादा घुस जाते हैं, लोगों को ज़्यादा सोचने लग जाते हैं और उससे हम अपनी ना अरदास कर सकते हैं गुरु जी से, ना ही हम कुछ कर सकते हैं। तो वो आंटी का नाम नहीं लेना, वैसे वो गुरुजी के साथ अच्छी तरह जुड़ी हुई है, लेकिन गुरुजी को पता होता है किसके साथ कनेक्ट रखना है किसके साथ नहीं रखना। तो गुरुजी बाद में मुझे खुद मना करते थे, इनके नाल नहीं जुड़ना, इनसे नहीं जुड़ना, उनके सामने मत आ, गुरुजी ऐसे मेरे को कहते थे। और मेरे को आगे चल के बहुत ज़्यादा एक बार मन था एक सेवा करने का, तो मेरा एक जगह मन था, उन आंटी को मैंने बोला कि मुझे सेवा करनी है सत्संग में, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं लड़कियाँ नहीं करती सेवा, तो वो खुद भी आंटी हैं और ऐसा बोला। और वहाँ जो जिनके घर में वो करा रही थी, तो मुझे तो इतना बुरा लगा, मैं तो वहीं से चली गई, रोते रोते चली गई गुरुजी पे छोड़ के। और हमारे गुरुजी ऐसा यही है कि किसी भी संगत के साथ गलत होने देते हैं। तो मैं बहुत रोई और बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि सेवा नहीं करने की, सेवा से तो इतनी बीमारियाँ हटती है। मैं अपने डिप्रेशन में दुख में तो होते हैं जब गुरुजी से मिले होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट मैं थी थोड़ा मेंटली थी अपने लव में ऐसे रिलेटेड बहुत थी। और उसमें मेरे को लगा कि मतलब कि अगर सेवा नहीं मिलेगी, थोड़ा लंगर प्रसाद में ही सेवा मैंने मांगी थी, ऐसे प्लेट को आगे से आगे देने की सेवा मांगी थी, तो मुझे लगा नहीं है ऐसा नहीं है। फिर गुरुजी खुद बोलते हैं बड़े मंदिर में भी तो आंटी सेवा करती है, तो गुरुजी के लिए तो सब इक्वल है, कईयों के वो अलग हो जाते हैं, तो गुरुजी के लिए इक्वल है। तो गुरुजी ने मेरे को क्या ब्लेस करा, गुरुजी ने मेरे को पर्सनल सत्संग ब्लेस करा जो कि खुद से घर में करो अकेले। तो मुझे लगा रे ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मुझे सारी सेवा मिलेगी, मुझे सत्संग सुनाने की सेवा मिलेगी, मुझे लंगर प्रसाद भोग लगाने की सेवा मिलेगी, मुझे शब्द सुनने की सेवा मिलेगी, मुझे पेंड्राइव की सेवा मिलेगी, मुझे गुरुजी को देख के अपना अकेले में मेडिटेट करने का टाइम मिलेगा। मुझे तो बहुत खुशी हुई, और वो खुशी तब हुई जब मैंने पहली बार करा, मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा अरे पर्सनल सत्संग तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, पर्सनल में तो हम गुरुजी से जो हमारा दिल का कनेक्शन है, गुरुजी क्या कहते हैं कोई मीडिएटर नहीं है, आपको पर्सनल डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है गुरुजी से और प्यारे प्यारे गुरुजी से। जिस दिन डायरेक्ट कनेक्शन बना पर्सनल सत्संग में, ये भी गुरुजी का शुक्राना है। वो आंटी का बाद में ऐसा हुआ कि एक सत्संग के बाद दूसरे सत्संग तक वो मेरे आरिश अंकल मतलब मेरे फादर हैं वो भी, और मेरी मम्मी चंचल आंटी वो सेवा करती थी, तो वहीं पे सेवा करती थी। तो उनको वो आंटी कहती अगले सत्संग तक प्लीज़ अपनी बेटी को लेके आइए, वो उनको लेके आइए, मतलब उसके अंदर गुरुजी ने सोची दे दी थी जिस तरीके से, फिर उनके साथ सही हो गया था। पर गुरुजी ने जो मेरे को कहा था मैं उस पर स्टिक रही और मैंने अपना पर्सनल सत्संग ही कंटिन्यू करा।
तो प्रथम सत्संग करते रहे और इतना अच्छा लगा। 11 तारीख गुरु जी ने कहा कि 11 तारीख फाइनल है तेरे घर में आने के, 11 तारीख को करा कर सत्संग। तो प्रथम सत्संग करा, प्रथम सत्संग में इतनी डिवाइन ब्लेसिंग है संगत जी, बहुत ज़्यादा। गुरु जी का इतना आपको अकेले एकांत में इतना अच्छा लगेगा। और ऐसा नहीं है कि सबके साथ ना, जहाँ जिसकी भावना होती है वो तो गुरु जी को पता है कैसे गुरु जी जोड़ते हैं, बट अगर आप बिल्कुल ऐसे भी चीज़ों में हो तो आप पर्सनल सत्संग एक बार करो। ऐसे मुझे याद आया, बहुत ज़्यादा पर्सनल सत्संग में ही अच्छा लगता है, तो मुझे अच्छा लगने लग गया। तो पर्सनल सत्संग के लिए शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। बड़े मंदिर पहले देखो विश्वास से जाना एक अलग चीज़ है, बड़े मंदिर जाना एक अलग चीज़ है। विश्वास नहीं था तो कोई काम लगता ही नहीं था कि होएगा भी, तो वो हुआ भी नहीं, ऐसा लगता था तो होता भी नहीं था। फिर इतने साल बाद गुरु जी, मैं लकी डेट कहूँगी 26 सितंबर को, तब गुरु जी ने चलिया करवाया था घर में। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, तो बहुत बहुत शुक्राना। चलिए मैं हमें 2 चलिया के पहले पता चला, ये 2 संगत के एक सत्संग है जिससे हमें चलिया का मन करा, जिससे गुरु जी ने ब्लेस करा। गुरु जी ने ब्लेसिंग्स करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, हमेशा डूबरी बड़े मंदिर बुला के ब्लेस करा। पर चलिया जो वो उससे पहले मेरी मासी थी, उन आंटी को मतलब 12 साल हो गए थे रेंट पे रहते हुए, तो उसमें वो बहुत परेशान हुए। उनको अपना ही फ्लैट नहीं मिल रहा था, उन्हीं की जो मदर इन लॉ थी वही नहीं देना चाह रही थी उनका हिस्सा, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, बहुत ज़्यादा। तो वो जिस भी घर पे रेंट पे थी, उन्होंने सोचा कि नहीं, चाहे मैं 10 मिनट 20 मिनट कितने भी चलाऊंगी, मैं शब्द चलाऊंगी गुरु जी के। शब्द चलाने के बाद क्या, वो 10 मिनट 20 मिनट 40-40 डेज जब कम्प्लीट हुए, उसके अंदर ही उनको अपना घर मिल गया, कुछ 64-55 लाख ऐसे में गुरु जी ने घर दिलवा दिया उनको। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। ये था एक आंटी का और था, लॉकडाउन के टाइम में थी वो आंटी, लॉकडाउन के टाइम पे थी एक आंटी, कंचन आंटी। तो उनके घर में गुरु जी ने लॉकडाउन से ही सत्संग नॉन स्टॉप करवाया। 2 साल हो गए थे जब हमारे को उन्होंने ये बात बताई कि तब से स्टार्ट हुआ है और हम सब मिलके चलिया करते हैं। गुरु जी का चलिया में बहुत पावर है गुरु जी की, हर एक इच्छा भी होती है लेकिन प्यार भी होना चाहिए। गुरु जी का प्यार इतना ज़्यादा उसके बाद बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा। मैं तो बहुत शुक्राना कर रही हूँ और बहुत अच्छा लगता है महादेव से जुड़ के। महादेव पता चला गुरु जी के थ्रू ही, गुरु जी ही महादेव है। मेरे को बहुत साल तक लगता रहा गुरु जी के लाइव वीडियोस में, ये आंखें मैंने कहीं देखी है, ये कोई जानी पहचानी आई है जिनको मैं पहले देख चुकी हूँ। गुरु जी की आईज, गुरु जी के लाइव वीडियो में गुरु जी जिस तरह से देखते हैं, मैं इनको पहले जानती हूँ। मुझे लगता था जब इतने टाइम बाद गुरु जी ने 7 ईयर कंप्लीट होने के बाद, अपने नाम जुड़ने के बाद बताया कि आंटी महादेव है, गुरु जी मुझे पता चल गया पूरी तरह कि महादेव है। फिर मुझे पता चला अरे हाँ, महादेव तो ऐसे ही देखते हैं। उसके बाद भी अभी तक गुरु जी एक पड़ाव से ऊपर पढ़ाते रहते हैं। गुरु जी ने बहुत ज़्यादा एक तो फाइनेंशियली भी ब्लेस करा, मेरे को ब्लेस करा। अगर मैं कहूँ कि मेरे घर में लक्ष्मी माता आती है तो सिर्फ गुरु जी की कृपा से आती है। अगर लक्ष्मी जी आई हैं तो मेरे हाथ में तो देखो गुरु जी की कृपा से आई हैं, वरना इतना इतना मुश्किल हो गया था, हो नहीं सकता था। जितना भी गुरु जी ने करियर वाइज ब्लेस करा, गुरु जी ने टीचिंग का दिया, गुरु जी ने उसका करा, तो ये सब इसलिए ही करके दिया। गुरु जी ने मेरे फादर को बहुत फाइनेंशियली ब्लेस करा। इसी महाशिवरात्रि में गुरु जी ने बोला बड़े मंदिर आए, मुझे लगा कि हमने तो फास्ट रखना है, हम बड़े मंदिर कैसे आए। गुरु जी ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए कि बड़े मंदिर में ही शिव जी हैं, शिव जी का ही फास्ट है, सो कम देयर एंड वी विल गो एंड वी गो ऑन 8 मार्च 2024। इतना अच्छा एक्सपीरियंस था। कैलाश खेर जी को सिंगर वो आए हुए थे, इतना अच्छा। जब हम एंटर कर रहे थे, जय जय का कौन है वो, कौन है वो वाला शब्द जो है वो चल रहा था, हम एंटर करे जब दरबार के अंदर बैठे, ये बाग लाइव गुरु जी ने सुनवाया। मैं उनका एक महीने से किसी रीजन तो वैसे भी सुन रही थी गाने, और मुझे नहीं पता था वही है वो। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को, तो इतना अच्छा लगा, मेरी पूरी फैमिली को अच्छा लगा। पूरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए शुक्राना मुझे, महाशिवरात्रि वाले दिन बुलाने के लिए शुक्राना मुझे, ने इतनी सब चीज़ें करी। महाशिवरात्रि से पहले ही विश पूरी कर दी कि मैं क्या कहूँ गुरु जी को कि मेरी ये विश पूरी कर दो। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। ये सत्संग भी मेरे को अब भी इसमें मिला है, बहुत ज़्यादा गुरु जी ने शुक्राना है गुरु जी का। गुरु जी ने करियर वाइज बेस करा, गुरु जी ने फ्रेंच लैंग्वेज बेस करी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने करियर वाइज बहुत ज़्यादा बेस करा है। तो मेरे को था कि गुरु जी, मैं 16 सोमवार का गुरु जी ने व्रत रखवाया, जैसे गुरु जी अपने आप से जोड़ते हैं, भोले बाबा हैं वो, तो भोलेनाथ हैं, उन्होंने अपने नाल जोड़ा। उन्होंने 16 सोमवार का व्रत भी करवाया, उन्होंने मेरे की इच्छा थी अंदर से कि टीचर का हो जाए गुरु जी। तो
इतने टाइम बाद अब ग्रेजुएशन की नीड होती है और बाकी सब चीज़ ठीक होती है, वो सर्टिफिकेट तो हो ही जाते हैं गुरु जी की कृपा से, पर ग्रेजुएशन की कृपा में चाहिए थी गुरु जी, ग्रेजुएशन का बड़ा वो है प्रॉब्लम, कुछ कीजिए गुरु जी। फिर मैं बोल के बहुत टाइम हो गया, फिर अप्रैल में गुरु जी ने दिखाया कि बर्थडे ब्लेसिंग है, तो ग्रीन कलर दिखाया जो कि गुरु जी मेरे लिए कहते हैं, तो गुरु जी ने ऐसे दिखाया और फिर गुरु जी ने टीचिंग का ब्लेस करा। मेरे को एक आंटी ने कॉल करा कि आप ग्रेजुएशन के बिना ही, मतलब बात उनसे हुई, उन्होंने बोला कि मैं लगवा दूंगी, नर्सरी वाले टीचिंग में लगवाई गुरु जी ने, और उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं बिना उसके लगवा दूंगी मैं आपको। तो ये मेरा शुक्राना है गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, आपने टीचिंग के लगवा दी मेरी जॉब बिना ग्रेजुएशन के, मान गए। ये कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, गुरु जी को बताया, गुरु जी कहते हैं वो भी हो जाएगा, ये सही है वो भी हो जाएगा, गुरु जी बहुत ज़्यादा शुक्राना। इससे भी ऊपर जो मेरा अपग्रेड गुरु जी ने कर दिया है, अपग्रेड मीन्स गुरु जी से इतना प्यार जुड़ा, प्यार ऐसे जुड़ते हैं जैसे हमारी सोल प्योर होती है, हम शब्द से जुड़ सकते हैं, शब्द जो होते हैं, आप किसी का भी शब्द सुनो, कोई सॉन्ग सुनो, जो एक कनेक्शन होता है वो सोल से ही हो सकता है, तो वो सोल से इतना कनेक्शन है, महादेव ने इतना जोड़ा, तो गुरु जी मुझे कई कैलाश की बातें बताते हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत ज़्यादा हैं गुरु जी से, मैं एक होता है कि हम आंसर मांगते हैं, गुरु जी खुद मुझे सामने से बताते हैं सब चीज़ें, और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, गुरु जी आपका थैंक यू। और कैलाश रिलेटेड चीज़ें बताते हैं गुरु जी का, एक सत्संग मैं सुन रही थी पीछे ही कि गुरु जी एक ओल्ड आंटी का सत्संग है, तो कह रही थी गुरु जी ना मॉल जाए थे, हमारे को बहुत मॉल ले गए थे, और कह रहे थे गुरुजी ऐसे खुश रहो, जिंदगी जियो, अच्छी तरह जियो, मस्त से जियो। फिर बाद में गुरुजी कहते हैं मेरे पास एक सत्संग है, मैंने कहा गुरुजी के पास एक सत्संग है, गुरुजी कौन सा होगा, फिर मुझे समझ नहीं आया, फिर मेरे को लगा कि पार्वती माता का भी मन करता हो शिव जी के साथ जाने का, तो गुरु जी कहते हाँ ये है, और गुरु जी ने पार्वती माँ शिव जी और सार सबके ही दर्शन मुझे कैलाश में दिखाए हैं, कहाँ पे महादेव बैठते हैं, कहाँ पे महादेव पार्वती माता कैसे खाना बनाती हैं, अशोक सुंदरी जी, ये सब रियल है, ये सब रियल है, वो जो आंखों ने देखा है, वो जो गुरु जी ने दिखाया है, ये बिल्कुल रियलिटी, और वो सुख वो महसूस हो पाया जब मेरा इतना प्यार बढ़ गया महादेव से, गुरु जी से, गुरु जी ही महादेव है। और गुरुजी ने डाउट में भी होता कि डाउट होना चाहिए, वैसे गुरुजी से रिलेटेड अच्छा नहीं हुआ, तो गुरुजी ने दिखाया, एक सत्संग सुनवाया कि एक आंटी थी वो बड़े मंदिर से आ रही थी, और एक अंकल थे उन्होंने गाड़ी में बैठे कहते अभी कल आ जाना बड़े मंदिर, कल अभी बड़े मंदिर से चलते, तो वो बैठे हुए थे, तो कह रहे आंटी कहती कि आप कोई सत्संग सुनाओ, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी कहते थे गणेश मेरा पुत्र है, गणेश मेरा पुत्र है, तो कह रही क्या मेरी बेटी भी अभी 5-6 साल की है, उसको लगा कि गणेश जी की जो मूर्ति है बड़े मंदिर में, वो कह रही है कि ये मेरे पापा हैं, गुरुजी मेरे पापा हैं, गुरुजी मेरे पापा हैं, और फिर वो अंकल कहते हैं हाँ जी आंटी सही है कि गुरुजी ही कहते थे कि गणेश मेरा पुत्र है, और गणेश जी भी कहते कि गुरुजी मेरे पापा हैं, दिखाए हैं कैलाश के दर्शन दिए, कैलाश में कैसी जगह है, कैसा वो वन है वो दिखाया है, जो कि महादेव गुरुजी का ही है, और बहुत बहुत शुक्राना, मैं तो हमेशा देखो कैसे चेंजेस कराए गुरु जी ने, एंड आई लव यू सो मच गुरु जी, एंड बी विद अस एंड बी विद माय सोल एंड एवरीथिंग माय हार्ट फॉर यू, लव यू गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।